Welcome to MADG Toppers Talk. You are watching Engineering Services Toppers Talk. आज मेरे साथ हैं रवि अग्रवाल. रवि है सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन ESC 2022. रवि हैज डन बीटेक फ्रॉम NIT नागपुर. 2018 पास आउट है ये. ही बिलोंग्स टू रायपुर, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. हिज फादर इज retired from general manager post in Coal India Limited, and Ravi is presently working as a junior manager in DFCC Corporation of India Limited. Ravi, first of all, congratulations. Thank you so much. And you have secured All India rank 150 also this year in GATE 2022 and second rank in mechanical engineering ESE category. तो रवि, आई वुड लाइक टू नो कि आपने गेट में भी रैंक 150 लेकर आए और इंजीनियरिंग सर्विस में सेकंड रैंक है, तो दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ की थी या आपका फोकस किसी एक एग्जाम पर था? सर, फोकस स्टार्टिंग से सर इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सर ये भी था कि जल्दी से कोई PSU में सर जॉब लेके बैकअप प्लान भी रेडी रखना है. इसलिए गेट पे भी सर फोकस मैं 50-50 ना भी बोलूं अगर तो काफी कंसिडरेबल फोकस था सर गेट पे. राइट. और आपको गेट की रैंक के थ्रू क्या एडवांटेज मिला? आपने गेट का कोई ऐसा, आपको गेट के थ्रू कोई जॉब मिला या जहां पर आपने यूज किया गेट रैंक को? जी सर, गेट के थ्रू सर इस ईयर मेरे को NPCIL में सर ऑफर आया था, साइंटिफिक ऑफिसर का. इंडियन ऑयल से सर ऑफर आया था मार्केटिंग ऑफिसर का. और इन दोनों के अलावा सर मैंने और किसी PSU में अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि इन द मीन वाइल मेरी DFCIL में सर लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट के थ्रू जॉब लग गई थी, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया सर फिर. ओके, आपसे बात करेंगे गेट के एग्जाम पर भी और IAS के एग्जाम पर भी. श्योर सर. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के लिए आपने कितने महीने डिवोट किए हैं और आपकी क्या अप्रोच थी? सर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का सर डिवोट तो सर मतलब पढ़ाई सर कंटिन्यू रखी थी सारे एग्जाम से, जैसे करते आते हैं हम स्टार्टिंग से. और इस प्रीलिम्स में सर अलग से कुछ नहीं किया था. जनरल स्टडीज के लिए सर थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनाई थी. ओके. 1.5 ईयर से सर करीब करीब मेरा रेगुलर हूँ उस मामले में. और बाकी सर प्रीलिम्स के लिए सर मेरा ऐसा मानना अलग से सर मैंने कुछ नहीं किया है सर. जो पढ़ाई कॉमन बाकी एग्जाम्स के लिए करी सर वही एग्जाम वही एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखी आपने कि जिसमें प्रीलिम्स भी हो गया, गेट भी हो गया. जी सर. तो जो प्रीलिम्स के लिए पेपर वन होता है, जनरल स्टडीज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, उसको तो अलग से पढ़ा होगा आपने. जी सर, उसके लिए सर मेरी थी कि दो बुक्स थी मेरे पास जनरल स्टडीज की. अच्छा, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू? जी सर, वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू. वो मैंने सर कॉलेज टाइम पे ही मंगवा रखी थी, तो उसको सर मैं जब भी टाइम मिलता था तो उसको मैं रेफर जरूर करता था. तो उसे सर स्टैटिक पोर्शन जो था वो GS का कवर हो गया था, वो विद टाइम सर बिल्डअप हुआ. और बाकी सर मेरी अप्रोच GS में यही थी कि मैथ्स और एप्टीट्यूड पोर्शन जो है उसमें मतलब एक्यूरेसी 100% रखनी है और उसमें पूरा मार्क्स स्कोर करना है. बाकी न्यूज़पेपर से करंट अफेयर में हेल्प हो गई थी सर. तो ये सर लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, इसके लिए अलग से सर एक महीना या दो महीना सर अपडेट बोर्ड नहीं किया था, रिदम में सर करता रहा डेली बस. वेरी गुड. और एग्जाम तो पहले गेट का हुआ होगा, फिर ES का प्रीलिम्स हुआ. जी सर. तो गेट के लिए किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया आपने? सर वेरी ऑनेस्टली सर, लास्ट ईयर MES की जो क्लास हुई थी MADG की, उससे सर सारी चीजें कवर हो गई थी. और अच्छा. अभी सर जैसे डे बाय डे गेट टफ होते जा रहा है, उसमें क्वेश्चन सर हम देखे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी सर मेंस क्वेश्चन अब 2 मार्क्स में आने लगे हैं, तो मेंस का सर बहुत बेनिफिट हुआ था, तो कुछ बचा नहीं था सर मेंस करने के बाद. एक्चुअली कल भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपर्स से बात कर रहा था और दूसरे भी ब्रांचेस के जो टॉप रैंकर्स हैं उनसे मेरा डिस्कशन हुआ. तो मोर ऑर लेस ये सभी का कहना था कि जब हम इंजीनियरिंग सर्विस की मेंस की तैयारी करते हैं तो जो वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होती है उसके बाद हमारा गेट बहुत आसान हो जाता है. एग्जैक्टली सर. गेट में टॉप रैंक लाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है और वो मतलब अनप्लान्ड एक तरह से कहेंगे, लेकिन वो फोकस ES पर था, लेकिन वो गेट में भी बहुत हेल्प कर गया. एग्जैक्टली सर. एग्जैक्टली. तो ये आपका क्या सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि जो अगर रिपीटर स्टूडेंट्स हैं तो उनको अगर अच्छी रैंक लानी है तो वो कन्वेंशनल तैयारी करें? जी सर, मेरा तो सर ये सजेशन रहेगा क्योंकि मैंने पर्सनली बेनिफिट हुआ है मुझे इस चीज से कि मेंस का सर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट हो गया सर.
अब बहुत डिटेल्स में घुसने की जरूरत नहीं है, बट मेंस की क्वेश्चंस टच करने इम्पोर्टेंट हो गए हैं सर। एटलीस्ट उसकी थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है, उससे सर काफी बेनिफिट होता है। अब जैसे डे बाय डे टफ हो रहा है तो तो मेंस की क्लासेस आपने पूरी की मेडी जी की? जी सर, लास्ट ईयर मैंने पूरी की थी, और लास्ट ईयर सर मेरा मेंस प्लस प्री का कट ऑफ 1 मार्क से रह गया था, तो इस बार सर वो लास्ट ईयर के क्लास की कॉन्फिडेंस था तो हो गया इस सदस्य बार, से रैंक एनरोलिंग। जी टू आ सर गए, वेरी गुड, ठीक है। और इंटरव्यू इस बार का मैंने सुना है कि इंजीनियरिंग सर्विस में इस बार मैकेनिकल के बोर्ड में नॉन टेक सवाल काफी पूछे गए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो मेरा एक्सपीरियंस सर मोस्टली डेस्क पे चला सर इंटरव्यू मेरा, और वर्क एक्सपीरियंस पे काफ़ी चला सर। वर्क एक्सपीरियंस मेरा सर एलएनटी में भी था कॉलेज के बाद, एलएनटी कंस्ट्रक्शन में, तो उस पे सर काफ़ी चले। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे भी सर काफ़ी सवाल पूछे गए, और फिर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पे पूछे गए कि स्टील इंडस्ट्री पे काफ़ी सवाल थे सर कि कौन कौन से स्टील इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कॉस्ट क्या होता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे सर और इंडस्ट्री बेस्ड ज़्यादा राइट, तो दोस्तों अगर थे। आप जॉब कर रहे हैं और आप इंजीनियरिंग सर्विस के इंटरव्यू को फेस करेंगे, तो चांसेस हैं कि जॉब प्रोफाइल काफी पूछा जाएगा, और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन भरते हैं, हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, एनसीसी अचीवमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। कुछ करेंट रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं, और हर साल तो हम देखते थे कि टेक्निकल ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन इस बार देखा है मैकेनिकल के बोर्ड में कि नॉन टेक एरिया और जॉब प्रोफाइल को काफी पूछा गया है, जी तो ये वेरिएशन होते रहते हैं। एंड आप कोई ऐसा सवाल शेयर करना चाहेंगे इंटरव्यू का जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो, स्टूडेंट्स को सजेशन दें और उससे वो सीख सकें? सर, ऐसे सरप्राइज एलिमेंट्स तो काफी कम थे सर लकीली इस इंटरव्यू में, तो कोई ऐसा एक दो सवाल सर पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बट ये है कि सर एक एडवाइस जरूर है कि इंटरव्यू में सर जितना हो सके ऑनेस्ट रहें, जेन्युइन रहें, और अपने डेफ को सीरियसली लें, अपने वर्क केस को सीरियसली लें, उसमें कोई भी चीज़ के लिए ब्लफ ना करें, और जेन्युइटी एंड ऑनेस्टी इज द की सर फॉर इंटरव्यू। ऑनेस्टी, जेन्यूननेस, यस बहुत सर सही कहा आपने कि मतलब इंटरव्यू में इन सब चीजों को देखा जाता है, और एक ऑफिसर, क्लास वन ऑफिसर जब सेलेक्ट करना हो यूपीएससी के मेंबर्स, दे वुड लाइक टू स्क्रीन द बेस्ट कैंडिडेट जो अपने आप में ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो, क्वालिटीज, टेक्निकल स्किल्स भी हो, जॉब हो, और प्लस अपने सोसाइटी के लिए और देश के लिए वो फिट बैठे, तो वो क्वालिटीज आपको अपने आप में डेवलप करनी होती है। राइट यूपीएससी एक बहुत ही, आप ये कह लीजिए कि एक ऐसी संस्था है जो बहुत रिस्पेक्टेड है, और जहाँ पर जो लोग वहाँ रिक्रूटमेंट करते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो अगर आप उस संस्था में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको भी अपनी क्वालिटीज इम्प्रूव करना है और ऑनेस्ट रहना है, वो बहुत जरूरी है। सर, तो रवि, माय वन क्वेश्चन इज दैट कि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स कई बार ये सोच के चलते हैं कि वैकेंसीज कम हैं, हम इतने एफर्ट करेंगे, पता नहीं हमें इसमें क्या सक्सेस मिलेगी, लेकिन ये भी हम देखने में आता है कि जो लोग तैयारी करते हैं वो बहुत सारे किसी दूसरे एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है कि तैयारी करना कितना वायबल है, और वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए क्या ऑप्शंस और बचते हैं स्टूडेंट्स के पास? सर फर्स्ट ऑफ फर्स्टली एंड फॉरमोस्ट सर कि तैयारी जब करते हैं तो वैकेंसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आपको ये तैयार रखना चाहिए कि आपकी तैयारी 100% हुई कि नहीं, उसके बाद आप सोचिए कि वैकेंसीज कहाँ कहाँ है। अच्छा सेकेंडली, वैकेंसी सर इस बार जैसे अब देखा गया गेट 2022 के थ्रू सर बहुत बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। कुछ पीएससी जरूर थी जिसमें सिंगल डिजिट वैकेंसीज थी, बट ऐसी कई सारी पीओसीज थी जिनमें वैकेंसीज आई। तो वैकेंसीज का सर मेरा ऐसा मानना है कि इस ईयर तो काफ़ी अच्छी रही हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में सर बेशक थोड़ी कम हुई हैं, बट आप देखें सर सिलेक्शन रेट जो है उसमें अगर तैयारी अच्छी है सर तो बैरियर नहीं होती वैकेंसी सर, आपके लिए एक सीट काफ़ी है, आप करें तो बिल्कुल ला सकते हैं सर। अब एक और अच्छी बात ये हो गई है कि जो लोग इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे थे या गेट की, अब उनके लिए इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज भी अब टेक्निकल हो गया है, तो वो अब इंजीनियर्स को फेवर कर रहा है, अभी मैकेनिकल के लोग ही मैकेनिकल की वैकेंसीज में जाएंगे, तो IRMSE में भी जा सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा एडवांटेज खुल गया, आप मैकेनिकल ऑप्शनल लेकर के सिविल सर्विस या IRMS भी दे सकते हैं, राइट तो सर, काफी एडवांटेजेस हैं, और जैसा आपने बताया कि इस बार गेट के थ्रू बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली है मैकेनिकल में, जी सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिले हैं,
डेफिनेटली गेट की इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर आप तैयारी करते हैं तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती है। और बड़ी अच्छी, रवि ने, आपने रवि आपकी मेंस की तैयारी कर लेते हैं ईएस की, तो गेट आपका बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। राइट। तो रवि, कुछ आप सजेशन और या स्टूडेंट के लिए ट्रिप टिप्स देना चाहेंगे? लास्ट मोमेंट में 2 महीने बचे हैं, लास्ट मोमेंट में बच्चे क्या करें? सर एक टिप मैं देना चाहूंगा स्पेशली इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री के लिए सर, कि इसमें सर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो मैंने देखा है सर, बहुत लोग स्ट्रगल कर जाते हैं, तैयारी अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, बट इस वजह से स्ट्रगल कर जाते हैं। उनको लगता है कि इसके पीछे कोई शॉर्टकट है, कोई कैलकुलेशन ट्रिक्स है जो उनको नहीं पता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप 2-3 महीना जो भी आपके पास टाइम बचा है उसमें ट्राई कीजिए, गेट के प्रॉब्लम्स आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करें। जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसका बहुत हेज मिलेगा। और ये है, बाकी होलिस्टिक अप्रोच रखिए। गेट और ईएससी बोथ डूएबल है, काफी डूएबल है, तैयारी एक ही होती है एंड दे विल डू वेल सर। गुड। तो दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं मिस्टर रवि अग्रवाल को, और इंजीनियरिंग सर्विसेज 22 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। जी हाँ, ये सेकंड टॉपर हैं, और इनका ये अटेम्प्ट तीसरा अटेम्प्ट था इंजीनियरिंग सर्विस का। 2020 में इनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 2021 में इन्होंने प्री क्लियर किया था लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। 2022 में ऑल इंडिया रैंक 2 है, और गेट में 2022 में इनका 150, 150वां रैंक था। तो गेट और ईएस दोनों में अच्छी रैंक आई इनकी। इनकी एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन थी, और इन्होंने बताया कि मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन ने, जिन्होंने मेडी जी का मेंस बैच भी ज्वाइन किया था, तो मेंस बैच में इनको काफी हेल्प हुई। तो दोस्तों, अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, स्टार्ट करिए। और हमेशा ये रहता है, थोड़ा डूबूंगा मगर तैर रहूंगा, तो देखता जा मैं जीत जाऊंगा। तो ये इन्होंने करके दिखाया है कि एक बार नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश की, और हुआ, एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये सच्चाई है। सो विश यू वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रवि, एंड थैंक यू थैंक सो यू मच फॉर सर। थैंक वाचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी। यू सर।